हेलो फ्रेंड्स, आई एम कपिल यादव। मेरे कोच कपिल यादव यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मैन्योर्स फर्टिलाइज़र एंड सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के कुछ सिलेबस बेस्ड एमसीक्यू लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, सिलेबस क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग दिए गए क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। क्योंकि बिना सिलेबस क्वेश्चन को पढ़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का पता नहीं, सिलेबस में होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये सिलेबस पढ़ लीजिए, या सिलेबस का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, मैंने जूम कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मैं क्योंकि सिलेबस पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा, और सिलेबस पढ़ना इतना ज़्यादा देर के बाद नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। चलिए, इसमें सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैन्योर्स फर्टिलाइज़र एंड सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। सबसे पहले एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट 3 ग्रेड का है दोस्तों। सबसे ज़्यादा परसेंटेज देने वाले सब्जेक्ट हैं, क्योंकि बहुत से हमारे छात्रों एवं सहपाठियों को ये नहीं पता हमारी परसेंटेज किस किन सब्जेक्ट से बढ़ती है और किन सब्जेक्ट से नहीं। दोस्तों, ये देखते हैं आप, 3 = 2+2 लिखा है, ये 3 ग्रेड की सबसे ज़्यादा, क्योंकि अन्य विषय में दोस्तों नंबर आपके 50 में 50 हों और इस सब्जेक्ट में 50 में 30 ही नंबर हों, तो वो उसी सब्जेक्ट का मुकाबला करेगी, क्योंकि 3 ग्रेड का सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, इसे डीपली बिना छोड़े डीपली पढ़ते हैं इसे। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रीन मैन्योर प्लांट्स आर लेगुमिनस। ग्रीन मैन्योर जो प्लांट्स होते हैं वो लेग्यूमिनस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिस केमिकल फर्टिलाइज़र इज इसेंशियल फॉर बेटर राइजोवियल नाइट्रोजन फिक्सेशन फास्फोरस। दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30-32 से क्वेश्चन मीन्स बनाए हैं इंग्लिश में, क्योंकि बुक्स में जो स्टैंडर्ड्स बुक्स होती हैं इंग्लिश में होती हैं, क्योंकि उसी से मैंने क्वेश्चन ढूंढे थे और उनको इंग्लिश में ही लिख लिया था। दोस्तों, आपको सिर्फ गोल करना है, ना कि आपको वहाँ महाभारत लिखनी है, तो सीधे से आप क्वेश्चंस पढ़ के इतना तो कर ही पढ़ ही सकते हो, क्योंकि 6th सेमेस्टर में आ गए हो। क्वेश्चन नंबर 3, एजोला इन यूज एज बायोफर्टिलाइजर एज ईस्ट पोसेसिस साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 4, पायरेथ्रिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम कैरिजेंथम सिनेरिसफोलियम। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज नॉट इंक्लूड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग केमिकल फर्टिलाइजर। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं यूज़ किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर कहलाते हैं। यूज़ कौन से ऑर्गेनिक फार्म में किए जाते हैं? बायो फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 6, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ काउ डंग इज मेड इन मेन्योर। क्वेश्चन नंबर 7, इन चिल्ड्रन दिस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस नाइट्रेट फर्टिलाइजर यूज। तो मेथामोग्लोबिनेमिया। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर पैडी द बेस्ट फर्टिलाइजर इज एजोला पिनेटा। पैधान के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर एजोला होता है, या एजोला पिनेटा। क्वेश्चन नंबर 9, कंपोजिटेड मेन्योर इज फार्म्ड फ्रॉम एनिमल रिफ्यूज एंड रोटेड एनिमल। कंपोजिटेड मेन्योर जो होती है, कंपोस्टेड मेन्योर, वो एनिमल रिफ्यूज एंड रोस्टेड एनिमल से तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, आ ग्रीन मेन्योर इज सस्पेनिया। ग्रीन मेन्योर है सस्पेनिया। बहुत सी ग्रीन मेन्योर है, ढेंचा, सस्पेनिया, ये सनई। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शुड बी एडेड टू सोइल फॉर प्लांट ग्रोथ फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 12, विच फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर इज डिजाइन टू बी स्क्रेचेड इन सोइल एंड वाटर सोल्यूबल ग्रेन्यूलर। क्वेश्चन नंबर 13, यूरिया एनिमल टैंकेज एंड स्लग आर एग्जांपल्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 14, ... आर नेचुरल फर्टिलाइजर डेट आर माइक्रोबियल बैक्टीरियल एल्गी एंड फंगी बायो फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 16, द कल्चर दैट इज ऑब्टेंड इज फ्लॉस इज नोन एज स्टार्टर कल्चर। क्वेश्चन नंबर 16, द राइजोबियम टर्म इज इस्टेब्लिश्ड बाई राइजोबियम टर्म किसने दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
फ्रैंक ने दिया था 1989। क्वेश्चन नंबर 18, बैक्टीरिया प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट फ्रॉम सोयल एंड इज बायोफर्टिलाइजर एजोटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 19, द सीड ट्रीटमेंट कैन बी डन बाय यूजिंग राइजोबियम एजोटोबैक्टर एजोसाइलम। क्वेश्चन नंबर 20, वर्मी कंपोस्टिंग इज प्रोसेस डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट बाय अर्थवर्म्स। ये वर्मी कंपोस्ट सभी को पता होगा, केचुआ खाद जो केचुए द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट के लिए कौन सा केचुआ उपयुक्त रहता है या केचुआ किस जाति का केचुआ होता है, तो एनेलिया फोइटिडा जो केचुआ होता है वो स्पेसीज वर्मी कंपोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होती है या अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट कॉमन बायो इंसेक्टिसाइड नीम, सभी को पता होगा मोस्ट कॉमन बायो इंसेक्टिसाइड। क्वेश्चन नंबर 22, टू एलिमेंट विच आर एसोसिएट विच बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आर एफई यानी लोहा एंड मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 23, नीम केक इज यूज टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ यूरिया बाई रिडक्सिंग लीचिंग एंड डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ फॉलोइंग अमाउंट ऑफ करेक्ट फ्रॉम फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन राइस फील्ड बीजीए, ये जो बीजीए है राइस के फील्ड में करेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन 20 से 30 केजी करता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर हैज़ मैक्सिमम फॉस्फोरस कंटेंट गुआनो। क्वेश्चन नंबर 26, लेटेस्ट एसेंसी एलिमेंट इज निकेल, 17वां एलिमेंट है निकेल। क्वेश्चन नंबर 27, FiMCN रेशियो फार्म यार्ड मैन्योर का जो कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशियो है वो 20:1 है, ह्यूमस का कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशियो 10:1 है, विशिष्ट ऊष्मा इसकी 0.5 होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। तो दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशियो 4:1 to 9:1 है, फॉडर का विच्छेदन के पश्चात कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 100:1। भारतीय मृदाओं में कार्बन की मात्रा 0.5%। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमारे 21 हो गए। और ये जो क्वेश्चन था लेटेस्ट इसेंशियल एलिमेंट, दोस्तों इसेंशियल एलिमेंट्स को किसने दिया था, अर्नान एंड स्टाउट ने, ठीक है दोस्तों, इन्होंने इसे दिया था। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स और अच्छे से मार्क प्राप्त करें। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं सहपाठी कोच कपिल यादव बीएससी एग्रीकल्चर 6 semesters में आपका सहपाठी आप लोगों की मदद के लिए हर प्रकार के क्वेश्चन हर कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। थैंक्स दोस्तों।